प्रेसिडेंट पुतिन के वैश्विक तबाही की धमकी के बाद नेटो फोर्स ने एटमी हथियार निकाल लिए हैं। जी हाँ, एटम बम बरसाने वाले हथियारों के साथ नेटो फोर्स 30 अक्टूबर तक युद्ध का अभ्यास करेगी। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त जो हम खबर अपडेट कर रहे हैं वो पुतिन की धमकी को लेकर, नाटो की कार्रवाई को लेकर। नाटो की सेना जिस तरीके से सक्रियता दिखाती है और वो अपनी सरहदी इलाकों को लेकर जो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बेलारूस से सपोर्ट मांगते हैं और उसके एरिया का इस्तेमाल किस लिए करना है, यूक्रेन पर वार करने के लिए। तो ये विनाश सिर्फ यूक्रेन में नहीं होगा, यूरोप के देशों में परमाणु खतरा। वैश्विक तबाही का अल्टीमेटम, यूरोप को हाफ कर देंगे पुतिन। प्रेसिडेंट पुतिन धुन के पक्के हैं, दावे को सच कर दिखाते हैं, सिर्फ धमकी नहीं धमाके कर दुनिया दहलाते हैं। उन्होंने नया प्रण लिया है। पुतिन ने अमेरिका का घमंड चूर चूर करने का ऐलान किया है। इसके लिए अब उन्हें चाहे एटम बमों का पूरा गोदाम ही क्यों ना बर्बाद करना पड़े। मगर हैरानी की बात यह है कि इस दफे पुतिन से ज्यादा नेटो फोर्स एटमी युद्ध को उतावली नजर आ रही है। नाटो फोर्स भी न्यूक्लियर हथियारों का जंगी ट्रेलर यूरोप में दिखाने जा रही है। इसे क्या समझा जाए, क्या परमाणु युद्ध का सायरन बजा? पुतिन ने एटमी हथियार निकाले, नेटो फोर्स एटम बम के साथ आई, यूरोप में होगी न्यूक्लियर टक्कर। अब अमेरिका से भिड़ेगा रूस, तीसरे विश्व युद्ध के गुट बने। हो गई मुनादी, बैटल फील्ड में आ गए फौलादी। इस बार युद्ध के हथियार वैश्विक तबाही के हैं। वो बम जो फटता है तो त्राहिमाम मच जाता है, जिसके जद में आने पर इंसान भाप बन जाता है। धरती पर प्रलय लाने वाले हथियारों की नुमाइश शुरू हो चुकी है। रूस न्यूक्लियर मिसाइल दिखा रहा है तो नेटो फोर्स न्यूक्लियर बमों के गोदाम का गेट खोलकर बैठी है। आखिर यूक्रेन युद्ध में ऐसा क्या हुआ, क्यों सीधी लड़ाई में अमेरिका उतरने को बेताब है? जानेंगे इस भयानक माहौल को किसने हवा दी, क्यों पुतिन का गुस्सा भड़काया गया, क्यों नेटो फोर्स भी फुल फॉर्म में आ गई,
मगर उससे पहले जानते हैं रूस इस बार परमाणु हमले के लिए किस कदर सीरियस है। रूस में एटमी युद्ध की तैयारियां शुरू, फ्रंट पर एयर डिफेंस जैमर, संयुक्त टास्क फोर्स तैनात, रूस को अभेद्य किला बनाया। जिस दिन का इंतजार कर रहे थे पुतिन, इतनी भीषण लड़ाई जिस वजह से लड़ी जा रही है। रूस को अमेरिका को सबक सिखाने का वो बहाना मिल गया है। आखिरकार उस मोड़ पर प्रेसिडेंट पुतिन पहुंच ही गए जहां अब मुकाबला सुपर पावर से है। यूक्रेन युद्ध का क्लाइमेक्स भी शायद अब करीब है, क्योंकि एटम बम ब्लास्ट होने लगेंगे तो युद्ध का नतीजा निकलने में देर नहीं लगेगी।